आज हम बनाएंगे मसाले के रसेदार आलू। इसके लिए हमें आधा किलो आलू और 3 प्याज, 5-7 कली लहसुन की, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ और इतने मसाले और बॉयल वाटर चाहिए। उसमें सबसे पहले हम आलूओं को लंबा लंबा काट के और शैलो फ्राई कर लेंगे हैं। उसके बाद प्याज भून के, लहसुन अदरक कूट के डाल के उसमें मसाला भूनेंगे। ये 10 टाइप एग करी, यदि इसमें हम अंडे भी फ्राई करके डाल दें तो ये एग करी तैयार हो जाएगी हमारी। ये देखिए, मैंने आलू को शैलो फ्राई कर लिया, बारीक प्याज काट ली, अदरक और लहसुन कस लिया। आलू जब मसाले में भूनूंगी उस समय थोड़ा सा दही भी ऐड करके, हरा धनिया भी उसी समय डलेगा। ये अदरक लहसुन भून रहा है, अब इसमें मैं प्याज डालूंगी। इधर मैंने पानी बॉईल कर लिया इसके लिए और इधर मेरा प्याज भून रही है उसी बचे हुए तेल में जिसमें मैंने आलू फ्राई किया। फ्राई आलू के साथ थोड़ा दही भी डाल के मैं और थोड़ा हरा धनिया काट के ये भून रहे हैं, बस इसमें अब ये पानी डलेगा उबलता हुआ। आप इसमें अंडे फ्राई करके भी डाल सकते हैं। ये आपकी एग करी भी तैयार है, इसे दम आलू भी कह सकते हैं। मतलब मैंने साबुत आलू नहीं काट के एक आलू के 2-2 पीस करके और फ्राई किया है। बस फिर वही प्याज टमाटर का मसाला, अदरक लहसुन प्याज टमाटर, बाकी सारे मसाले। सीटी भी एक पूरी नहीं लगेगी क्योंकि आलू काफ़ी तो फ्राई हो चुके हैं। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़े से ना थोड़े गाढ़े ही अच्छे लगते हैं। आलू फ्राई हो चुके हैं, एक सीटी लगा के खोलने के बाद 2-1 मिनट पका लेते हैं बस। ये मेरे दम आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसे आप मसाले के आलू भी कह सकते हैं, दम आलू भी कह सकते हैं। अभी रसा थोड़ा सा पतला लग रहा है लेकिन ये रख के थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, देखने में भी और उसमें भी काफ़ी अच्छी बनी है, टेस्ट में भी। मेरे तरीके से आप बनाना चाहें तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साबुत आलू को आप ऐसे कांटों से गोद भी सकते हैं और या 2 पीस कर लीजिए, उसको भी डीप फ्राई करके बना सकते हैं।